ये आपका EMI होने वाला है। सोचो सिर्फ और सिर्फ 16,000 का EMI देना है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप प्लस माइनस करके आप 1.5 किलोमीटर ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एम्बियंट लाइट जो है काफी प्रीमियम लग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं Hyundai के शोरूम में और मैं आज बात करने वाला हूँ वर्ना के बारे में। तो वर्ना में भी जो है एक स्पेशल कलर है जो कि हमारा है फैंटम ब्लैक, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो है हमारी फैंटम ब्लैक वर्ना, टॉप मॉडल है वर्ना 1.5 MT जो कि हमारी SX ऑप्शनल, अगर इसके मॉडल की बात करें हम लोग। अब जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका एक शोरूम जो प्राइस होने वाला है पटना में, वो आपको होने वाला है 14,65,900 रुपीज़। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की हम लोग बात करें जो कि पटना में होने वाला है, तो वो होगा आपको 17,19,125 रुपीज़। चलिए ये तो हो गया, अब हम बात करते हैं इसके EMI की, क्योंकि आज इसका हम लोग फुल फाइनेंस डिटेल्स कवर करने वाले हैं। ओके गाइज, तो चलिए सबसे पहले मैं इसके मॉडल की बात कर लूँ जो हमारी वर्ना लगी हुई है। तो ये जो मॉडल है आपका वर्ना SX ऑप्शनल है, और इससे एक लो मॉडल आता है वर्ना SX। तो उन दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगा कौन सी जो मॉडल है वो ज़्यादा सेल होती है, इसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारी टॉप मॉडल है, इसका हम लोग फुल फाइनेंस डिटेल्स लेकर आ चुके हैं, तो एक लाइक हो जाना चाहिए इसके लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो वो ये है कि सबसे पहले इसका जो ऑन रोड प्राइस है और एक शोरूम प्राइस है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसका फर्स्ट डाउन पेमेंट का बात कर लें जो मिनिमम होने वाला है। तो मिनिमम डाउन पेमेंट जो आपका होने वाला है वो आपका होगा 1,71,912 रुपीज़। जी हाँ, चलिए ये तो हो गया, बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो आप डाउन पेमेंट है वो तो आप दोगे, बट थोड़ा सा मैं EMI के बारे में आपको एक चीज़ कन्फर्म करना चाहूँगा कि आप जो EMI देते हो वो आप अपना सैलरी का जो है, अगर आप सैलरी होल्डर हैं तो आप अपने सैलरी का 1/4 पार्ट जो है अपने सैलरी का कटवा सकते हो, यानी कि 25% जो है आप EMI कटवा सकते हैं अपनी कोई भी गाड़ी आप अगर EMI पे लेते हो तो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके EMI की। तो इसका जो 5 ईयर्स का EMI होने वाला है वो आपको होगा 31,665 रुपीज़। और अगर हम बात करें इसके 7 ईयर्स की EMI की, तो वो आपको होने वाला है 24,421 रुपीज़। तो अब हम बात करते हैं इसके सेकंड डाउन पेमेंट का। तो सेकंड डाउन पेमेंट जो आपका होगा वो आपको 3 लाख का होने वाला है। तो अगर आप 3 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो इसका जो 5 ईयर्स का EMI जाएगा वो आपको होने वाला है 29,045 रुपीज़। अब बात करते हैं इसका 7 ईयर्स का EMI का। तो 7 ईयर्स में जो इसका EMI होने वाला है वो आपको होगा 22,401 रुपीज़। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड डाउन पेमेंट की। तो चलो थर्ड डाउन पेमेंट से पहले मैं आपको जो है एग्जीक्यूटिव का जो है नंबर है और शोरूम डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूं। तो शोरूम डिटेल्स जो है आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, और साथ ही साथ जो है हमारे एग्जीक्यूटिव का जो नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रीमियम सेडान जो हमारी वर्ना है इसको आप आज के आज बुक कर सकते हैं। उससे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके थर्ड डाउन पेमेंट की। तो थर्ड डाउन पेमेंट जो आपको होने वाला है वो आपको 7 लाख का होगा। तो 7 लाख का अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो 5 ईयर्स में जो इसका EMI जाने वाला है वो क्या होने वाला है, गेस करो। तो 5 ईयर्स में जो इसका EMI जाएगा वो आपको होने वाला है 20,857। और अब हम बात करते हैं इसके 7 ईयर्स की EMI की। तो 7 ईयर्स का जो इसका EMI होने वाला है वो आपको होगा 16,086 रुपीज़। इतना गेस कर रहे थे क्या? ये आपका EMI होने वाला है। सोचो सिर्फ और सिर्फ 16,000 का EMI देना है 7 ईयर्स के लिए, और इसको आप ले जा सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि EMI जो है आपका इससे भी कम हो सकता है, आप जो है हमारे एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट करना, वो आपको प्रॉपर डिटेल्स जो है आपको अवेलेबल करा देंगे। और अब जो है हम लोग इसका क्या क्या इसमें न्यू चेंजिंग आई है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका की देख सकते हो, की कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है, और बैक साइड में आप देख सकते हैं Hyundai की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका Hyundai का जो हमारा वर्ना है, सबसे पहले मैं इसका लोगो दिखा दूँ आपको। ये आपका जो लोगो मिल रहा है कुछ इस तरह का आपको इसमें लोगो मिलने वाला है Hyundai का। और यहाँ पे आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हो, कुछ इस तरह का आपको इसमें ग्रिल मिलेगा। डाउन साइड हम लोग जब शिफ्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हो ब्लैक पेंटेड आपको यहाँ पे ग्रिल मिलने वाला है। तो इसका DRS आप देख सकते हो, DRS जो है कुछ इस तरह, साथ में जो हमारी कनेक्टिंग लाइट है मिडिल में ये भी आप देख सकते हो कितनी प्रीमियम लग रही है। एक बार दूर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो कुछ इस तरह का आपको जो है फ्रंट लुक आने वाला है, प्रीमियम लुक देती है। और साथ ही साथ जो है अब मैं आपको दिखा दूं इसका हेडलाइट। तो इसका हेडलाइट जो है आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प आपको मिलने वाला है, और उससे डाउन शिफ्ट हम लोग होते हैं तो इसका जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह का आपको जो है इसका फ्रंट लुक होगा। अब मैं इसका आपको साइड लुक दिखा दूं, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको जो है इसका साइड लुक है जो कि कितनी प्रीमियम लग रही है। और ये हमारी एक प्रीमियम सेडान आ जाती है। और यहाँ जो आपको क्लैडिंग दिख रहा है ये कितनी प्यारी लग रही है आप देख सकते हो। अब हम लोग इसका व्हील देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डुअल टोन में जो है आपको अलॉय व्हील मिलने वाला है। वो ये जो हमारी अलॉय व्हील है यहाँ पे आपको Hyundai की बैचिंग मिल जाती है। और साथ ही साथ जो है इसका हम लोग सेक्शन की बात कर ले, टायर सेक्शन की बात कर ले, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्क्ड है 16 इंच का आपको टायर मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह का जो है आपको इसमें
एलॉय व्हील मिलेगा, और साथ ही साथ जो है अब इसके इंडिकेटर की बात कर ले हम लोग, तो इंडिकेटर आप देख सकते हैं, इंडिकेटर आपका जो है ORBM पे ही मिलने वाला है, जो कि आपका LED है। तो कुछ इस तरह का आपको इंडिकेटर होगा, और ये आपका बॉडी पे नहीं आ रहा है, ORBM पे आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट होते हैं, तो आप देख सकते हो इसका जो डोर हैंडल है, आपको सिल्वर फिनिशिंग मिलता है, जो कि हमारा फ्रंट और रेयर दोनों में ही आपको सिल्वर फिनिश मिलने वाला है टॉप मॉडल में हमारी। अब एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसका जो की है मैंने पॉकेट में रख लिया, बस इसको वन टच करूँगा तो ये गाड़ी जो हमारी ओपन हो जाएगी, और वन टच में ही जो आपको क्लोज होने वाली है। तो कुछ इस तरह से जो है ओपन कर देते हैं, और अब मैं आपको गाड़ी इंटीरियर दिखा दूँ इसका। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको जो एम्बियंट लाइट मिलने वाला है, और वेलकम फंक्शन काफ़ी इसमें अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एम्बियंट लाइट जो है काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, और यहाँ पे आपको पर्पल कलर का कुछ एम्बियंट लाइट का यहाँ पे काम किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं सामने। अब मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप एम्बियंट लाइट तो आप देख ही चुके हो, ओके। तो आप देख सकते हैं आपको जो है कुछ इस तरह का आपको इसमें स्टेरिंग मिलने वाला है, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको पुश स्टार्ट बटन का ऑप्शन मिलने वाला है, और इसका एम्बिएंट लाइट तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एम्बिएंट लाइट किस तरह का आपको इसमें लुक मिलने वाला है। तो वन बाई वन मैं आपको इसमें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको इसमें वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है, वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे आप मोड चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसे आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, और ये आपका जो है फेवरेट का ऑप्शन है, और यहाँ से आप कॉल पिक एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसका हम लोग लेफ्ट साइड देखते हैं, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप प्लस माइनस करके आप 1.5 किलोमीटर ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो है आप सेट कर सकते हैं। मतलब इसमें आप क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम इसमें आपको मिलने वाला है, यहाँ से आप कैंसिल और ओके कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का होने वाला है, और मिडिल में आप देख सकते हो इसमें आपको हॉर्न इसी जगह पे मिलेगा, और यहाँ आप देख सकते हो इसका जो मीटर कंसोल है और MID डिस्प्ले इसमें आपको देख सकते हो यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आपको वेलकम होता है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यही कुछ आपका लुक होने वाला है, और मैं आपको इसका स्क्रीन दिखा दूं, तो स्क्रीन जो आपको उसमें 10 इंच का स्क्रीन मिलने वाला है। और अब डिफरेंस जो मैं बता रहा था आपको SX ऑप्शनल और SX में, तो वो ये है कि आपका सबसे पहला ये आपका 10 इंच का डिस्प्ले है, जो कि हमारे SX ऑप्शनल मॉडल है, और अगर SX में जाओगे तो वो आपको 8 इंच का स्क्रीन मिलने वाला है। और एक और चीज़, इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइवर सीट एंड को ड्राइवर सीट दोनों ही वेंटिलेटेड ऑप्शन है, आपको जो है वेंटिलेटेड सीट मिलने वाला है। बट अगर आप जो है SX मॉडल लेते हो तो उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको SOS का ऑप्शन भी मिलने वाला है, यानी कि ये आपको टॉप मॉडल है, ये चीज़ कंफर्म आपको हो जाएगा यहाँ से। और साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं USB का यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है, 12 वोल्ट यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगी। और साथ ही साथ जो है इसको अभी क्लोज करते हैं, और साथ ही साथ देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो AC वेंट है वो आपको ऑटोमेटिक होगा, और साथ ही साथ इसमें आपको AC वेंट 4 मिलने वाला है, वो मैं दिखा दूँ आपको, 1, 2, 3, 4, ये आपका फ्रंट में होगा। अब हम लोग रियर साइड पे चलते हैं, और मैं रियर साइड में भी आपको दिखाता हूँ कि AC वेंट इसमें आपको कैसा मिलने वाला है। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो गियर लीवर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है। और अब हम लोग इसके रियर साइड पे तो चलते हैं, उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो सनरूफ का पैनल है, जो कि काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी आराम से जो है हम लोग इससे बाहर निकल के देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आपको इसमें लुक होने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हो, अगर आपने मेरा Nexon का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी जो है ये चीज़ आपको मिल रहा था, बट वो हमारी SUV मॉडल है और ये हमारी सेडान है। तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल जो है आपको फोल्डेबल मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप Nexon का भी वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल जो है हम लोग इसके रियर प्रोफाइल पे चलते हैं। ओके गाइस, एक चीज़ मैं मिस कर गया था, जो कि इसका डोर पे आप देख सकते हैं यहाँ जो आपको ORBM कंट्रोल के लिए मिल जाता है, यहाँ पे ऐसे आप ORBM कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही साथ जो है ग्लास लॉक कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको चारों ग्लास का ओपन एंड क्लोज करने का ऑप्शन मिलता है। ड्राइवर सीट पे जो है आपको वन टच ओपन एंड क्लोज का ऑप्शन मिलने वाला है, और साथ ही साथ जो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से आप विंडो को लॉक कर सकते हैं, विंडो लॉक हो जाएगा यहाँ से। और साथ ही साथ जो है और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ से अपने हेडलाइट की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हो रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह का आपको होने वाला है, और इसका आप देख सकते हो लेग स्पेस जो है हमारी वर्ना का, जो कि काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। आप यहाँ देख सकते हो कितने आराम से मैं बैठा हुआ हूँ, और फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी स्पेस इसमें आपको मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका म्यूजिक सिस्टम जो आपको बोस का मिलने वाला है कुछ इस तरह का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल में हमारा AC वेंट जो है कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो है डाउन साइड देख सकते हैं 2 जो है आपको सी टाइप चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है, जो कि हमारी फास्ट चार्जर है, तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज लग रही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं सनरूफ कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलने वाला है रियर प्रोफाइल से।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी वर्ना है इसका इंटीरियर जो है हमारा डुअल टोन में मिलने वाला है, जो कि हमारा ग्रे और ब्लैक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रेयर प्रोफाइल में भी जो है अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का आपको रेयर प्रोफाइल होगा। और साथ ही साथ जो है आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो हेडरेस्ट है आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलने वाला है। दो हेडरेस्ट है आपका पीछे में भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अभी ये पैक है, बट यहाँ पे से आप जो इसका आर्मरेस्ट जो है ओपन कर सकते हैं कुछ। और इसका आप देख सकते हो जो भी हमारा सीट है वो पूरा का पूरा ग्रे है, मतलब काफी अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें आपको दिया गया है। अब मैं जो है बूट स्पेस पे चलता हूँ और तो इसका बूट स्पेस कितना मिलने वाला है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका बूट स्पेस आपको 512 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको एक बार दूर होकर दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी इसमें आपको बूट स्पेस मिलने वाली है। तो इससे पहले क्लोज कर देते हैं। और ये आप देख सकते हो रेयर प्रोफाइल जो है हमारे कुछ इस तरह की आपको वर्ना की मिलने वाली है। यहाँ पे आपको हुंडई की बैचिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपको वर्ना का लोगो मिल जाता है। ये आपका कनेक्टिंग टेल लाइट जो है आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है, जो कि हमारी काफ़ी प्रीमियम लग रही है। और ये हमारी एसएक्स ऑप्शनल मॉडल है, तो यहाँ पे एसएक्स का जो है हमारे यहाँ पे बैचिंग मिल जाता है। और यहाँ पे आपको डाउन साइड शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे आपको सेंसर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का आपको इसका रेयर लुक होने वाला है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर में आप आते हो तो यहाँ पे आपको सार्फिन एंटीना का ऑप्शन मिलेगा। और सनरूफ के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है। गाइज, होप सो आप लोगों का जो भी क्वेरी होगा क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी रह गया होगा तो आप मेरे को कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में जो है मैं डिटेल्स अवेलेबल करा दूंगा। और साथ ही साथ जो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो वहाँ भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ भी आप मेरे को डीएम करोगे तो मैं आपको डिटेल्स अवेलेबल करा दूंगा। और साथ ही साथ जो है मैं इसका एसएक्स मॉडल का जो आपको बता रहा था, एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल मॉडल, तो एसएक्स मॉडल जो है थोड़ा ज़्यादा बिकती है। ये एसएक्स ऑप्शनल का मैंने आपको फुल फाइनेंस डिटेल्स कवर करके दिया है। अगर आपको एसएक्स मॉडल का चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। फिलहाल ये हमारी जो फैंटम ब्लैक थी आप लोगों को कैसी लगी? वर्ना टॉप मॉडल, वो भी हमारा फेसलिफ्ट। ये जो हमारी वर्ना है फैंटम ब्लैक, ये आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बताना। और इसका फुल फाइनेंस डिटेल्स जो मैंने कवर किया है वो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करना। अगर इससे भी आपको लो पे चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उस पर भी अवेलेबल कराऊंगा। तो फिलहाल जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। और एंड करने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर पसंद आता है तो। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ।